सो अभी हम फ्रूट बाजार में आ गए इनके। ये देखो जी इनका फ्रूट बाजार। मैं तो घूम 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 मजे करेंगे मजे। सो भैया आज का ब्रेकफास्ट आप लोगों को मैंने नहीं दिखाया, तो ये लंच की शक्ल देख लो। ये जो राइस है इसमें ज़ाफ़रान है, और वो जो प्याली में रखा है वो ज़ाफ़रान का सूप है, बकाया सैलड चिकन, ये लंच है हमारा। सो भैया आपका भाई ऑल सेट, अभी तैयार हो गए, लंच कर लिया, अब बाहर जाएंगे शॉपिंग वगैरह करेंगे, आपको बाजार वगैरह घुमाएँगे, मज़े करेंगे मज़े। इस बाज़ार आ गए, मैं बाज़ार दिखाता हूँ उनके। इधर काम चल रहा है फिर भी सफाई है यार। तो भैया काफ़ी जो है बड़ा बाज़ार है, जूम करके आपको दिखाता हूँ, बहुत बड़ा बाज़ार है और बहुत अच्छा बाज़ार भी है। देखें तरह तरह की दुकान है, तो आज ही एक्सप्लोर करते हैं। सो भैया एक ये लिया है 3 लाख का, अम्मी के लिए 3 लाख रियाल का, और ये है कोई 2,10,000 रियाल ये छोटी सिस्टर के लिए। चलते चलते हम दूसरे बाज़ार में आ गए, और यहाँ ये बहुत बड़ा बाज़ार है, पिछले कोई 20-25 मिनट से चली जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे चलने की लोगों को बहुत आदत है, देखो वो सारा बाज़ार है। ये देखो भाई कौन सा बाज़ार है, बाज़ार तारीखी उर्मिया। चलो भाई उर्मिया का तारीखी बाज़ार है ये भाई, ज़बरदस्त बाज़ार है। तो काश ऐसे तारीखी बाज़ार हमारे भी होते, कितना पुराना है लेकिन सफाई देखो सफाई। ये ओल्डेस्ट बाज़ार है ईरान उर्मिया का, और ये बताता है वाकई में कि ये ओल्डेस्ट है। देखो मतलब मैं पिछले कोई 10-15 मिनट से वॉक कर रहा हूँ, बट ये बाज़ार ख़त्म नहीं हो रहा, गलियाँ ही गलियाँ हैं, गलियाँ ही गलियाँ हैं। तो ये बहुत बहुत बड़ा बाज़ार है। आप लोगों ने अक्सर तुर्की ड्रामों में और ईरानी ड्रामों में सब चीज़ें देखी होंगी इस टाइप की। देख लो भाई कितना बिजी बाज़ार है, बहुत रश है यहाँ पे यार, बहुत रश है। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कितना रश होगा, लेकिन खूबसूरत है ना, खूबसूरत रास्ते, खूबसूरत लोग, बिना टेंशन के घूमो फिरो, साफ सुथरी सड़कें, सफाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार ये ईरान। तो अभी हम फ्रूट बाज़ार में आ गए इनके। ये देखो जी इनका फ्रूट बाज़ार, फ्रूट बाज़ार, फ्रूट बाज़ार। माशाल्लाह। सो भाई आपको सही घुमा रहा हूँ मैं उर्मिया के, नहीं ये उर्मिया ईरान है। मैं तुम लोगों को अभी ओल्ड बाज़ार दिखाया था ना, वो जिधर मैं घूम रहा था, मैं बता रहा हूँ तुम्हें कितना बड़ा। अब हम अलग साइड पे आ गए, ये फ्रूट मार्केट है, लेकिन ये भी उसी का हिस्सा है। देखो बाजार है,
अब अंदाज़ा लगा लो कितना बड़ा बाज़ार ये। मतलब मैं तो घूम 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 थक गया, लेकिन ये नहीं ख़त्म हो रहा। अच्छा तो भाई आपके भाई के पास बहुत पैसे थे, 3.5-4 करोड़ रुपये लेके आया था मैं। वैसे मैंने कहा था ना बिल्कुल कि मुझे 10 करोड़ दे दे, लेकिन उसने कहा यही है मेरे पास। सो 3.5-4 करोड़ रुपये लेके आया था ये सोच के कि ढेर सारी शॉपिंग करूँगा, पैसे उड़ाऊँगा, अमीर बंदे ना। और आज मैंने 2 करोड़ रुपये उड़ाए। सिर्फ किन किन क्या क्या चीज़ें ली हैं मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। 2 करोड़ रुपये पे सिर्फ ये लिया, ये बैग, ये बैग, ये बैग, ये शूज़, ये शूज़। अच्छा अब ये सोचो कि ये तो सारे लड़कियों का मटीरियल। ओ भाई मेरे, लड़कों का काम होता है कमाना, ठीक है। तो मैं अभी बाहर था, मैंने कहा कि घर वालों को कुछ ना कुछ ले लूँ। तो आज ये किए और शॉपिंग करनी है कल, उसके लिए कल अलग ब्लॉग बनाएंगे। अभी हम जा रहे हैं, आज पिज़्ज़ा बना रहे हैं लोग मेरे लिए, क्योंकि इनको पता है कि मैं पिज़्ज़ा बहुत पसंद करता हूँ, तो इसलिए लोग मेरे लिए आज पिज़्ज़ा बना रहे हैं। पकाई ये शर्ट मैंने यहीं से ख़रीदी थी और आई थिंक अच्छी लग रही होगी, कमेंट में बताना मुझे। अभी खाना बनने में बहुत टाइम है डिनर में, तो हम डेजर्ट और कॉफ़ी से गुजारा कर लेते हैं। सो भैया पिज़्ज़ा बन के आ गया और शक्ल तो उसकी अच्छी लग रही है, अब खा के आपको इसका फीडबैक देंगे। अब अपनी फेवरेट प्लेस यानी कि टेरेस पे हूँ, बिकॉज़ यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा आती है और मुझे जब भी मौका मिलता मैं यहाँ के बैठ जाता हूँ, गाने लगा लेता हूँ, सुने गाड़ियों की आवाज़। तो अभी मेरा मूड है कि मैं यहीं सोऊँ, मतलब थोड़ी देर के लिए ऑफकोर्स, बिकॉज यहाँ जो हवा आती है ना बहुत मज़े की आती है। बकाया मैंने फीडबैक देना था पिज़्ज़ा का, पिज़्ज़ा अच्छा बना था, मीट का था पिज़्ज़ा और चिकन का नहीं था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग चिकन का पिज़्ज़ा। ये लोग जो है ना स्पाइस कम खाते हैं, और आपको पता है हम जो हैं पाकिस्तानी, हमें तो हर चीज़ में स्पाइस चाहिए। तो पिज़्ज़ा अच्छा था, अच्छा था, ठीक भी नहीं था, अच्छा था। बट मतलब जो मेरी मम्मी बनाती है ना वो थोड़ा सा स्पाइसी होता है, और तो ये थोड़ा स्पाइसी नहीं था। खाया, ओवरऑल रेटिंग देखी जाए तो बहुत अच्छा पिज़्ज़ा था, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और भी ब्लॉग आ रहे हैं। सो स्टे कनेक्टेड, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।